आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। इसमें हम घी, मावा या मिल्क पाउडर का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। घर में रखे इंग्रेडिएंट से बहुत आसानी से बन जाएगा और खाने में बहुत ही डिलीशियस टेस्टी होता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। लौकी को छील लेते हैं। लौकी को छील लिया है, आगे पीछे कट कर लेते हैं। लौकी के छिलके को फेंकेंगे नहीं, इससे बनाएंगे एक नई रेसिपी। लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को कद्दूकस कर लिया है, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड करते हैं। इंडक्शन ऑन कर लिया है, एक उबाल आने तक तेज आंच पे रखा है। दूध में एक उबाल आ गया है, आंच को मीडियम करते हैं। दूध में कद्दूकस की हुई लौकी ऐड करते हैं। मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। लौकी को दूध के साथ मीडियम आंच पर पका लिया है बराबर चलाते हुए। दूध पककर आधा हो चुका है। आधा कटोरी चीनी ऐड करते हैं। जब दूध पककर आधा हो जाए तब इसमें चीनी को ऐड करें। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। 1 चम्मच कड़वा वाटर ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तेज़ आंच पर गाढ़ा होने तक बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। बराबर चलाते हुए पका लिया है तेज़ आंच पर। दूध 1/4 हो गया है। बराबर चलाते हुए तेज़ आंच पर इसे गाढ़ा कर लेते हैं। बराबर चलाते हुए गाढ़ा कर लिया है। आंच को लो टू मीडियम कर लिया है। 1 पिंच ग्रीन कलर ऐड करते हैं। मिक्स कर लेते हैं। कलर डालने से हमारी रेसिपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए घी छोड़ने तक पका लेते हैं। बराबर चलाते रहेंगे जिससे तली में ना लगे। इसे घी छोड़ने तक पका लेते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेते हैं। घी छोड़ने लगा, हलवा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं। हलवे को निकाल लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी लौकी का हलवा बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।